जर्नी 40 में आपका स्वागत है। अब ये जर्नी 40 चैनल मैंने बनाया, सबसे पहले ध्यान में ये बात आएगी कि क्यों बनाया मैंने जर्नी 40। मैं बहुत सारा वीडियोस देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, अलग अलग जगह पे। तो जब आप पूरे यूट्यूब चैनल को देखिएगा तो जितने भी आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे या जो लोग भी मिलेंगे, वो जब जो भी हैं वो सब यंग हैं, मतलब 23 साल, 25 साल, 30 साल के आसपास के लोग ही। और जो लोग 40-45 के पास पहुंच चुके, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जर्नी अपने 30s में या 25s में या 32 में शुरू की थी, मतलब 10 साल पहले। लेकिन अब क्या है कि जब वो उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, तो आज जब वो यूट्यूबर पूरी तरह से बन गए हैं तो बातें तो कर रहे हैं, पर क्या उनको एक वाकई एक मिडिल क्लास लोगों का, जो 40-45 साल के जो लोग होते हैं, उनको उनके बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में वो समझ पाते हैं? तो इन सब कारणों से मैंने एक चैनल स्टार्ट करने की सोची। इसका नाम मैंने रखा जर्नी 40, यानी 40 साल के बाद आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, उसके लिए मैंने ये चैनल बनाया। तो ये बेसिकली सबसे फर्स्ट रीज़न था मुझे ये चैनल को क्रिएट करने का। दूसरी बात है कि मैंने इस चैनल पर क्या करेंगे ये देखना है। तो देखिए, 40 साल का जो एज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जब 40s में होते हैं तो आप दो जनरेशन के बीच में होते हैं। फर्स्ट जनरेशन कौन सा होता है? जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके साथ रहते हैं, और एक जनरेशन जो आपके बच्चे हैं। तो एक बच्चों का जनरेशन होता है और एक आपके माँ बाप का जनरेशन होता है, और बीच में आप रहते हैं। तो आपको इन दोनों के बीच एक तो तालमेल बैठानी पड़ती है, दूसरी बात आपको आपके पास जो काम कर रहे हैं उसके पास आपका मनी फ्लो भी इतना आना चाहिए कि आप इन चीज़ों को आप बैलेंस कर सकें, ठीक है ना? और हर कोई आपसे समय मांगता है। आपके माँ बाप अलग समय मांगेंगे आपसे, आपकी पत्नी अलग समय मांगेगी, बच्चे बोलेंगे कि पापा मुझे समय दीजिए। तो ये बड़ा क्रूशियल एज होता है 40 में। दूसरी बात है कि आप 40s में जब होते हैं तो आप ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब आपने जो सीखा है या जो पढ़ा है या जो नौकरी की है, एक ठहराव में आ जाता है कि अब मुझे यही करना और मैं यहीं से आगे बढ़ूँगा। लेकिन अभी क्या होता है कि आप यूट्यूब देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उनसे भी वहाँ पर कोई वैसा कंटेंट नहीं मिलता है हम लोगों को भी 40 साल का आदमी या 45 साल का आदमी अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए, उनके उनके पास क्या क्या स्ट्रेटेजी प्लान होने चाहिए, और वो जो उनके माँ बाप हैं, बच्चे हैं, वाइफ भी है, उस सब के बीच कैसे तालमेल बनाए। तो इन सब चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखने की वजह से इस चैनल को स्टार्ट करने की सोची। और इसमें हम लोग कुछ चीज़ें तो थ्योरेटिकली भी बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे अपने साथ। मैं अपने साथ प्रैक्टिकल करके चीज़ों को देखूंगा कि क्या वो वाकई काम करती है या नहीं करती। मैंने और भी एक रीज़न है जिस चैनल को शुरू करने का, जिसको हम लोग थर्ड रीज़न भी कह सकते हैं, कि आपने देखा होगा मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों के बारे में बड़ा वीडियोज़ अवेलेबल है। ऐसे पैसा लगाइए तो आप इतने करोड़पति बन जाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। इन सब चीज़ों को भी देखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, हमें एक चैनल बनाना चाहिए जिस पे हम लोग इस पे रियलिटी में बात कर सकें। अब आपने अगर 23 साल की उम्र में आपने किसी स्टॉक में 1,000 रुपया लगाया होता और आज 40 साल की उम्र में उसकी 1,00,000 रुपये हो जाता, पर सवाल ये उठता है कि 23 साल के जब हम थे तो हमें तो इसकी जानकारी नहीं थी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट भी कुछ चीज़ होती है, तो आज के डेट में स्टॉक मार्केट को हम कैसे यूज़ कर लें या हमारे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग इस चैनल पर बात करें। आप अगर 40 साल के ऊपर के हैं इस चैनल को से जुड़े, और जुड़ने के बाद एक जो जर्नी हम लोगों ने जो मतलब अभी तो नहीं कह सकते 2-4 साल, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 18 साल के बाद अपनी थोड़ा इंडिपेंडेंसी आ जाती है, माँ बाप हर बात में उंगली नहीं करते हैं या बोलते नहीं, करे यार ये मत कर, वो मत कर। तो 18 साल और उसके पहले की जो स्कूल लाइफ है, स्कूल जर्नी है, उसको भी एक रिवाइंड प्रोसेस में देखेंगे। और हम लोग जो 40s में आज की डेट में हैं, 40, 42, 45, उनकी डेट अब अप्रोक्सीमेटली 80s, 85 के आसपास होगी। तो उन्होंने अपना स्कूलिंग जो है वो 98, 97, 96 के आसपास की। उस समय ना फेसबुक था, ना ट्यूटर्स था, और स्पेशली वो लोग जैसे मेरे लोग हैं, हम मेरे जैसे लोग जो हम लोग अलग जगह पर रहते थे, हमारा घर अलग था, तो हम मेरे पापा की जहाँ जॉब थी वहाँ हम लोगों ने स्कूलिंग की। तो अब क्या है कि वो वहाँ से छोड़ कर हम लोग यहाँ चले आए। अब क्या है कि जो उस समय तो ये सब चीज़ें थी नहीं, तो बहुत सारे फ्रेंड्स तो अब मिले ही नहीं, देखे ही नहीं उनको, अब तो पता नहीं एक दूसरे का चेहरा भी याद नहीं है। कुछ पुरानी फोटोज़ है जिसको हम लोग देख एक दूसरे को याद कर लेते हैं, पर रेगुलरली अगर हम लोग देखें तो अब तो हम लोगों के चेहरे के, तो उन फ्रेंड्स को दोबारा ढूंढने की कोशिश करेंगे और स्कूल्स लाइफ को दोबारा रिबिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और इन सब के बीच एक तालमेल भी बनाने की कोशिश करेंगे कि ताकि
आप भी इन चीज़ों को प्रैक्टिकली कर सके और हम भी प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, काम है, पैसा तो चाहिए चाहिए क्योंकि फैमिली चलानी है और बहुत सारी समस्याएं हैं, मज़े हैं जो हम लोग इस चैनल में थ्रू आपको दिखाएंगे, अच्छे हैं, बच्चों के साथ कैसे वक्त बिताना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर हम लोग इस चैनल में बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों का, जो चीज़ें मेरे दिमाग में जब आई तो बार बार मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों पर कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है यूट्यूब पर, कि भाई 40s के आदमी लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब इंटरनेट रैपिडली ग्रो किया उस समय तो 2002-2005 के बाद ग्रो किया, तो ठीक है ओल्ड एज जो आदमी हैं, जो जिनके 50s 60s प्लस में जो लोग हैं वो लोग है, लेकिन हम लोग जो जनरेशन है 40s वाले जो जनरेशन के लोग हैं वो तो इंटरनेट यूज़र बन गए। अभी स्थिति बहुत ख़राब हो गई 40s वालों की, क्योंकि हम भी लैपटॉप लेके घर पहुँच रहे हैं, अब हम लोग MS ऑफिस तो जान गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कुछ ना कुछ घर पर बैठ के बनाते रहते हैं, उससे हम अपने फैमिलीज को टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कुछ आप लोगों के दिमाग में भी ख्याल आ रहे होंगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को भी आप मुझे कमेंट में लिखिए, हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे और उनको कुछ कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल करेंगे और कुछ जो बीती हुई ज़िंदगी थी स्कूल डेज के, स्कूल के दोस्तों के बारे में, उन सबको भी रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसी ज़िंदगी होती है 40 प्लस पे।